सर आप सभी तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल राकेश सैनी ब्लॉग में। तो जैसे कि आज 12 सितंबर है और आज मेरा जन्मदिन है, तो सबसे पहले दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यानी मैं सबसे पहले अपने आप को विश करूंगा हैप्पी बर्थडे टू मी। एक अच्छी बात यह भी है कि आज मंगलवार है, तो सबसे पहले अभी नहा धो लिए, फिर उसके बाद अभी बजरंगबली के मंदिर जाएंगे, बाबा मेहर करें और अभी आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपना दिन शुरू करते हैं। चलो अभी चलते हैं CBZ पे की दुकान, लड्डू हनुमान जी के लिए। जय बजरंगबली महाराज की जय हो, जय बजरंगबली महाराज। तो मैं आज अपने बर्थडे को जिम में अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म करके सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कोई चीज़ होनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। तो भैया भी जिम आए हैं, फिट एंड फाइन जिम का नाम है, अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना। शूज़ पहन लेते हैं, यहाँ एक जिम का हिसाब है, अपने शूज़ या तो यहाँ रखो या कैरी करके लाओ ताकि मिट्टी ना आए। अभी शुरू करते हैं जिम, पहले आज हम बैक का वर्कआउट शुरू करेंगे और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज अपने बैक के वर्कआउट से शुरू करेंगे, पहले करेंगे बिहाइंड द नेक, इसके हम लगाएंगे 10 से 12 रैप ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, और फिर हम करेंगे फ्रंट से, इसके भी 10 से 12 रैप लगाएंगे और थोड़ी बहुत बॉडी को अपना स्ट्रेच करेंगे। तो ये अपने बाहर का जिम का बाहर का नज़ारा है, ये जो सामने रोड है ये इसे बोलते हैं नासिक रोड, और इससे थोड़ी दूर जाएंगे तो बस स्टैंड आ जाता है यहीं पे। और ये अपने जिम के अंदर का, ये जो सामने भाई साहब हैं ये यहाँ के ट्रेनर हैं, और अच्छे मतलब ये है कि बढ़िया लोग आते हैं यहाँ पे, सही फिट एंड फाइन, सही में नाम से ही पता लग रहा है फ़िट एंड फाइन। और ये दो भाई बैठे हैं, ये बोले व्लॉगिंग कर रहे हो, मैं बोला हाँ जी कर, हमें भी लो। तो गाइस आज बैक का वर्कआउट कर लिया बियॉन्ड द लिमिट जाके, बट ठीक था, अच्छा था भाई। आज सेलिब्रेशन है तो इंटेंसिटी फुल रखेंगे, बट दैट वाज गुड। तो अभी बस वर्कआउट हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ का एक सिस्टम है, मेरे पास कैरी करने के लिए मिला प्लास्टिक बैग, इसमें कैरी करके लाता हूँ, मैं करता क्या हूँ, इसी में शूज़ लाने पड़ते हैं ताकि बाहर निकालो ताकि मिट्टी ना हो, कैरी करके ला सकते हैं। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं शाम का भी क्या प्रोग्राम बनता है भाई। चलो निकलते हैं, बाइक खड़ी, चलो चलो भाई, बाइक चमका दी है इस आदमी ने, एक नंबर की सफाई करता है। जिम से आए थे और ये अपनी जान यानी हंटर को बड़े प्यार से धोया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद हम बाहर निकलेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ, बरसात चल रही थी एक हफ्ते से भाई, बरसात में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गाड़ी घोड़े को। अब ये देख लो, तो भाई साहब अभी चमका रहे हैं, यूँ मत सोचना कि ये अकेला कर रहा है, कि मैं इस पर ज़बरदस्ती काम करवा रहा हूँ, दोनों मिलकर कर रहे हैं। वीडियो बनानी थी इसलिए यो कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मैं करूँगा वीडियो में यो कर रहा है, फिर उसके बाद ये मेरे को मार मार के काम करवा रहा है, मेरे पर जुलम ढा रहा है। तो अभी चलो धो लेते हैं, फिर उसके बाद प्लान करते हैं। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, और भाई ये देखो यहाँ पे ना फ्लैट कट रहा है, मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं कट रहा मतलब फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पे, जो जैसे वो नहीं होते कि जो पहले ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं, 70-80 फ्लैट बन रहे हैं भाई, एरिया बहुत चौड़ा है और सारी चीज़ हो रही है इसमें। आने वाले टाइम में अंकित कह रहा है इसमें ही लूँगा एक फ्लैट है। लो जी पकड़ा, अच्छा खोल दूँ पूरा। अभी भी मतलब पूरी तसल्ली के साथ देगा या आपको गाड़ी धोके, भाई वाह। अब जैसे कि जश्न-ए-बहार तो क्या भाई, भाई लेके जा रहे हैं मुझे, कहाँ लेके जा रहा है भाई, कितने जा रहा है, अरे बता दे, जस्ट वेट एंड वॉच भाई। भाई अभी बाइक साफ़ की है इसने, बाइक चमक रही है, बाइक से बड़ा लगाव है भाई। तो अभी ये लेके जा रहा है, इसने नए लत्ते पहन लिए हैं, हिंदी में लत्ते
नए कपड़े पहन लिए इसने और मैंने भी पहन लिए। फिर इसके बाद अभी निकलते हैं। चलो कहाँ लेके जा रहा है भाई? देखो मुझे पता नहीं, मैं तो इसके साथ बैठूंगा और आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ। चल भाई चल स्टार्ट कर भाई। क्या एक नंबर है चकास। हैं मंजिल की ओर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना है। बाइक ना दौड़ो, सनसेट पॉइंट देखा हमारे हैं। बाइक ना दौड़ो, सनसेट पॉइंट देख लेते। कौन सा पॉइंट? सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट कोई बात नहीं। हर जगह गणपति जी के आगमन के लिए यहाँ पे क्या मतलब हर जगह डेकोरेशन चल रही है और गणेश जी भाई मज़ा आ जाएगा। यो गाइस, मेरा भाई मैंने गाड़ी दिया क्या? हाँ ये कर लो तुम उतने। वो चलान वाला इंगे तिंगे देख रहा है, वो इधर ना मारेगा। स्टॉल लग रही है चाट पकौड़ी की, अलग अलग स्टॉल्स हैं। जैसे हर जगह का अपना एक बाज़ार होता है ना, यहाँ का ये था अपनी जिम है। ये देखो फिट एंड फाइन पड़ेगी, और मौसम देखो है भाई लग तो रहा है। तू पहन ले, पहन ले। रेड लाइट। अभी हम जा रहे थे तो बजरंगबली जी का मंदिर आ गया, तो बजरंगबली जी से हम आशीर्वाद लेंगे और फिर हम अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे जहाँ हमें जाना है। बजरंगबली जी से हमने आशीर्वाद ले लिया है, अब हम आगे चलते हैं। चलो भाई तरफ गणपति जी ये विसर्जन के लिए संकेत लेके आया हमें फूड कोर्ट में। आई लव TNRC फूड कोर्ट। ये देख लो भाई श्याम सुंदर मिशल। तो भाई ये लड़का यहाँ लेके आया आज मेरे बर्थडे के लिए आई लव TNRC फूड कोर्ट। तो भाई नासिक में मुझे तो पता नहीं है, मैं इसके साथ साथ चले जा रहा हूँ। ए डॉगी, डॉगी को प्रणाम करो। तो भाई बर्थडे मेरा कोर्ट है, यहाँ पे चाइनीज मिलता है, कुल्लड़ चाय मिलती है, ये मेन्यू है यहाँ का स्पेशल चाय पराठा। क्या लेना चाहोगे? यहाँ के भी है ना पनीर मोमोज लिए हैं, ये देखो भाई। और सबसे हैरानी की बात होगी, इस लड़के ने ये नहीं पता कि पनीर मोमोज भी होते हैं। तो अंकित आज मेरे बर्थडे पे आप क्या कहना चाहोगे? कुछ विशेस फॉर माय ब्राइट फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू से? हैं कुछ नहीं कहना चाहोगे? चल मैं ही कह लेता भाई। ये लड़का कह रहा है कि मैंने ना एक नोट लगा रखा है फोन के पीछे। कह रहा क्यों लगा रखा है तूने, इट्स वेरी बैड। मैं कह रहा भाई ये मानना था। ये देखिए तो देखो यहाँ पे, अब यूँ बता दो इनमें से कौन ज़्यादा बुढ़ा लग रहा है और कौन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। इस लड़के ने पूरे परपंच कर रखे है खुद स्मार्ट लगाने के लिए। ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, बाल तो मेरे भी सफ़ेद हो रहे हैं। बाकी अब यहाँ फूड कोर्ट आए हैं, एक बार तो खाएं। ये देखो ये मेरी फोटो ले रहा। चल भाई ले होंगे। चलो भाई फूड कोर्ट में अभी पनीर खा लेते हैं, पनीर नहीं पनीर मोमोज, देन उसके बाद निकलते हैं। फूड कोर्ट में बैठ के आधा घंटा ख़राब करके और हमने केक खाए सिर्फ एक पनीर मोमो। और अब हम जाएंगे कौन से आगे मॉल में जाएंगे। चलो भाई चल दिए भाई। ये है नासिक शहर अंदर से, जैसा अपना गुड़गांव में नहीं है उस साइड में 56 वगैरह की साइड में सेम। नंबर प्लेट देख लो का गिवेरा पार्ट जाए, नंबर प्लेट देख ले। नंबर प्लेट तो MH है महाराष्ट्र की, नासिक की MH 15 नासिक का नंबर है भाई। ये कौन सा है? सिटी सेंटर ये वाला, जहाँ मेरी उंगली जा रही है वो मॉल है जहाँ ये मुझे लेके जा रहा है। अरे मैं और मेरा भाई प्रधान ऊपर, ऐसा लग रहा है दिए जला रखे हो किसी ने। वाकई यार मतलब हर एक फ्लोर पर लाइट ऐसे है कि दिए हूँ इससे हम बंद है, बात है? एक ही व्हीकल नहीं आ रहा। सही बात है, हम किशोर जा रहे हैं। कितने की पर्चियाँ? एक मिनट, पर्ची कितने की? जल्दी पकड़ रुको बच्चे। चलो जी 15 रुपये की पार्किंग की पर्ची यहाँ पे। बजे 8 बजे के हिसाब से अगर पार्किंग की बात करें तो पूरा स्लॉट खाली पड़ा है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि इतनी भीड़ तो नहीं होगी। सिटी सेंटर मॉल देखते हैं नासिक का, शुरुआत करते हैं भाई। सारे मॉल एक जैसे होते हैं तो मॉल का तो क्या, बस छोटी छोटी झलक देख लेते हैं। आपको यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं
फूड कोर्ट होगा अंदर, स्मार्ट बाजार मॉल। तो देखो सारे एक जैसे भाई, क्यों क्या अलाउ नहीं है वो अंदर नहीं हो सकता जब आप ड्रेस वगैरह लेते हो। चलते रहो सीधे, सोलमेट्स फिश पेडिक्योर सेंटर। मिस्टर डी आई वाई क्या होता भाई है भाई, ये सामान है? अच्छा सामान ले सकते हो, ये देखो टूल वगैरह। तो भाई आज मॉल में आए थे तो एक बेनिफिट ले लिया, आज स्टैंड ले लिया क्योंकि शेक करता है काफ़ी, तो अब स्टैंड ले लिया। स्टैंड पे लगा के ब्लॉगिंग क्या करेंगे, कॉलर माइक तो नहीं है, कॉलर माइक नहीं है यहाँ पे, कॉलर माइक नहीं है। बाकी देखियो अब मान लो वीडियो में देखिए शेक हो रहा है। दोस्तों हमने सबसे महंगा आइटम लिया, एक तो ये और एक दूसरा ये, इस पे तो हम अपने कपड़े सुखाएंगे, खुट्टी जिसे हम कहते हैं खुट्टी, इससे ये बाइक की चेन साफ करेगा। तो ये सबसे महंगा आइटम लिया अभी तक के हमने। हाँ बिल्कुल चालू है, इफ़ यू डोंट माइंड, लोग बिल्कुल चालू है, ये आदमी भी चालू है। कितना भाई? 156। मैं ले रहा था यार वो स्टैंड, बट वो ना भाई कंफर्टेबल वगैरह नहीं है यार। चार्ज वाले सर कितना? 18 रुपये दे दो भाई। देख लो नासिक में 18 रुपये का कैरी बैग मिलता है, गुड़गांव में 10 रुपये का मिलता है, लेकिन वो कागज़ का होता है, पेपर। अच्छा चलो नहीं ठीक है, इसमें सब्जी ले आएंगे, चलो काम आएगा, बिल्कुल आएगा। व्हाट्स योर नेम? राहुल। ओ मेरी नाम राशि का, ओके मुझे राहुल नाम के बहुत लोग टकरा रहे, जिम में भी मिले थे। चलो ओके थैंक्स लॉट, ओके। मैं क्या जानते भाई, देख लो ये एक चीज़ देखे ना 4-5 चीज़ ले जाते हैं, पकड़ लो ऐसे आदमी को, बाहर मत जाने दो, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री। इतने दिनों बाद है ना डोमिनो में आए हैं, डोमिनो का पिज़्ज़ा खाने, कैप्सिकम मेरा फेवरेट डोमिनो। आज बर्थडे के दिन तू मेरे को पिज़्ज़ा खिला रहा है। उत्तर दक्षिण, तो भाई ये गोलगप्पे लेन चला गया, इधर डोमिनो था भाई। यहाँ डोमिनो वाले बंदे की बात सुन के मैं हैरान हो गया, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर किया ठीक है, कैप्सिकम थे, ओनियन वगैरह थे, तो उनके अलग अलग फ्लोट थे, वेज में अलग थे वो अलग थे। तो उन्होंने एक बात बोली, वो बोले अगर आपको ना ये वाले लेने हैं तो आप एक काम करो, तो आपको ऑनलाइन ऐप से करना पड़ेगा। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है कि आप जो पिज़्ज़ा लेने आए हो कि पहले आपको ऐप से करने पड़ेंगे, हो सकता है ये हो मुझे नहीं पता, बट मैंने फर्स्ट टाइम सुना लाइफ में कि जो चीज़ वो बंदा अंदर बना रहा है वही चीज़ कह रहा है कि पहले आप उसको ऐप से करें, डोमिनो की ऐप से। चाह रहा है खाओ खाओ, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओ ये गोलगप्पे, इसके बाद पिज़्ज़ा आएगा। पिज़्ज़ा इज रेडी, लो जनाब। कोल्ड ड्रिंक पीनी है? रुक जाना लग। तो भाई आज बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है पिज़्ज़ा के थ्रू, क्योंकि मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा ही है। कोल्ड ड्रिंक ज़बरदस्ती पी है तो है ही, ये महंगी देते। बर्थडे की सेलिब्रेशन को स्टार्ट करो। हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे, लिफ्ट आ गई है, ये लिफ्ट से। एक बार इसका चेहरा देखो, इसे ना लिफ्ट में चलने से डर लगता है, अब नीचे की ओर जा रही है ना, इसने फिजिक्स पढ़ी नहीं है ना, और ये कह रहा था लिफ्ट। आज का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, आज का जो बर्थडे सेलिब्रेशन पिज़्ज़ा के थ्रू किया गया, गोलगप्पे के थ्रू किया गया, केक तो हमने रात को ही काट लिया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब हम 10 बजने वाले हैं, मॉल में ही 10 बज गए, अब हम निकलने की तैयारी में हैं, पर अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था, मिलेंगे अगले व्लॉग में फिर से। मैं अपने आप को हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ, अरे तू भी बोल हैप्पी बर्थडे बोला है, देख दबे मन से बोला इसने। चलो आज के व्लॉग और वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, खुश रहिए, धन्यवाद।